अनजाने अजनबी चल बांधने बंधन हाय रे दिल में है ये उलझन मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे मिलकर क्या बोले कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं। अच्छा अच्छा वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं। जी जी हाँ। और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं। अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है। आप लीजिए ना। अरे आप यहाँ आइए, चलिए आइए आइए, प्रेम से बात कीजिए, बैठिए। तस्वीर ही आज मिलेंगे दर्शन हाय रे बढ़ने लगी है उलझन मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे मिलकर क्या बोले मिलो पूनम से। हेलो बोलो बेटा। आंटी को हेलो बोलो। हेलो बोलो। हेलो हेलो। कृष्णकांत जी हम लोग तो सब पूनम से मिल लिए, अब अगर इजाजत हो तो प्रेम और पूनम भी एक दूसरे से मिल लें, जाने पहचाने। भावना हम झूला झूलने जा रहे हैं। अरे नहीं, बातें करने जा रहे हैं। बातें नीचे नहीं आ सकती, चाचा और आंटी को यहाँ पे बातें करनी है। तो फिर हम क्यों आए हैं? राहुल अब एक भी सवाल नहीं पूछोगे, समझे? हाय, आई एम प्रेम। हमारा नाम रजनी है, आप हमें छोटी बुला सकते हैं। अगर आप दोनों का मामला जम गया तो हम आपकी साली कहलाएंगी।
प्लीज बैठो पूनम, आप बैठिए ना। भाभी बैठिए ना। आप बैठिए ना। सब बैठ क्यों नहीं रहे? भाई छोटी, देखा जाए तो हम यूं ही फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। उनके साथ बैठना चाह रहे हैं जो खुद एकांत ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा करें कि चाय की ट्रे यहाँ रखे और हम चले। ओके प्रेम, पूनम, ऑल द बेस्ट। इनका एग्जाम है। मैं नहीं जानता कि इस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए। हम लोग मिले हैं ताकि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें, लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे के बीते हुए कल के बारे में नहीं बात कर लेते, हम अपने आने वाले कल के बारे में कैसे सोच सकते। मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली में की। देन फॉर अबाउट अ ईयर आई वेंट अब्रॉड। कुछ दिन जर्नलिज्म सीखा, कुछ दिन लिटरेचर। बेसिकली खुद को खोजता रहा। मेरे भैया कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ बिजनेस के मामले में। वो प्यार से मुझे भोलू कहते हैं। कॉलेज में एक लड़की मुझे पसंद थी, मेरी क्लासमेट थी, मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठती थी। कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा ही हुआ, बाद में पता चला कि उसके उसके पहले से ही दो बॉयफ्रेंड्स थे। दोस्तों के साथ स्मोकिंग भी की, लेकिन जिस दिन भाभी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, उनसे वादा किया कि कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करूंगा। ये बातें मैंने पापा से भी नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा आपसे तो कहनी ही थी। भाभी बता रही थी कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है। आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? शरद चंद्र जी की परिणीता, स्वामी रविंद्रनाथ जी की अतिथि समाप्ति। ऑल इन हिंदी राइट? इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। आप स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ती होंगी? आई मीन आध्यात्मिक। या जरूर पढ़ती होंगी। आप प्रार्थना में यकीन करती हैं? आई मीन भगवान से कुछ मांगो और यकीन करो कि वो आपको देंगे। डू यू बिलीव इन इट? कुछ बातों पर विश्वास होता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप? नो थैंक्स। क्या आपका कोई सवाल नहीं? उस लड़की के बारे में शायद? सारे जवाब मिल गए। आप चाहें तो हम एक दोबारा और मिल सकते हैं। तो फिर हम चले? सोप? हाँ है। चेहरे पे साफ लिखा है बोलू जी, हाँ है। अरे भाभी, अरे भाभी एक सेकंड सुनिए तो। आई थिंक हमें एक दो बार और मिलना चाहिए उसकी खातिर। धन्य हो देवर जी। अरे पापा। हाँ सच?
प्रेम का है। Congrats. Thanks. हरीश चंद्र जी बधाई हो। अरे आप बैठिए ना। कृष्ण कांत जी हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। बस अब आप एक बार पूनम से पूछ लीजिए, अगर उसने भी हाँ कर दी तो हम जल्द से जल्द उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। बिट्टो छोटी उनकी तरफ से हाँ है। बिट्टो तेरा मन क्या कहता है बेटा? बाबूजी हाँ। जो पूछना था पूछा बेटा। एक आध बार और मिलना चाहेगी? जी जी कह रही थी वो बिल्कुल आप जैसे बाबूजी। पकली हरिचंद जी ये लीजिए। अरे धन्यवाद धन्यवाद। आप बैठिए। चलिए बैठिए। आपका शरबत कहाँ है? मैं बस लेता हूँ। छोटे बाबू भाभी जी बुला रही हैं। अच्छा एक मिनट। जी जी कोई बात। कहो। वे लोग सारी तैयारियां करके आए हैं, आज ही सगाई करना चाहते हैं। रईस खानदान से रिश्ता जोड़ रहे हो, पहले बाकी बातें तो कर लो। सब कुछ लुटाने नहीं दूंगी, खुद की बेटी ब्याहनी बाकी है। सच रमा कभी कभी तो तुम हद कर देती हो। कृष्ण कांत जी अंदर आ सकता हूँ? कृष्ण जी आइए आइए। भाभी जी दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ, पर अब जब दो परिवार एक होने जा रहे हैं तो चाहूंगा कि हमारे बीच में किसी किस्म का पर्दा ना रहे। मन में कोई पशुपेश मत रखिए। आज प्रेम को एक नारियल और 125 रुपया देकर अपना बना लीजिए। हमें पूनम चाहिए और कुछ नहीं। ये वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी है। माइक। अबे आंटी नहीं चाची बोल। अरे आंटी चाची कैसे बन गई? अब आपके चाचा को इतनी पसंद आ गई तो हम क्या करें? और आने दीजिए। हाँ बस बस बस। पापा चले गाड़ियाँ तैयार। हाँ हाँ चलो बेटा। अच्छा जी ये लो आपके लिए चॉकलेट। चाची बाद में आएगी। अच्छा चाचा। अरे अरे बेटा बस। अच्छा भावना जी। सिर्फ भावना के ये चाचा जी। अरे 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 हमारे छोटे समधी जी, आपसे तो ठीक से दो बातें भी नहीं हो पाई। हरिश्चंद जी आपसे एक प्रार्थना है जी। कुछ समय निकालकर आप सब एक बार हमारे गांव सोम सरोवर जरूर पधारें। वहां अपना एक छोटा सा मकान है, कुछ दिन साथ में रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप जब कहें कृष्ण कांत जी। अब तो हमें पूनम से मिलने का बहाना चाहिए। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का जो निकाला है पंडित जी। अरे भाभी जी पंडित जी को कुछ खिलाइए पिलाइए, शादी की तारीख जरा नजदीक की निकलवाइए ना। तो अगले महीने का सोम सरोवर का कार्यक्रम तय रहा? 100%। अच्छा नमस्कार। अच्छा नमस्कार जी। अरे आप क्या समधी जी की तरफ से नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी तो चलना है। ओहो मैं तो भूल ही गया, आप तो हमारे साथ बारात में शामिल होने वाले हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं जी भगत जी तो हमारी तरफ से बारात का स्वागत करेंगे। आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं अंकल? क्या है मुझे इधर से भी इन्विटेशन है और उधर से भी, मुझे रोकने वाला कौन है? बारात आएगी स्वागत कर लूंगा और बारात वापस जाएगी, बारात में शामिल हो जाऊंगा। क्यों ठीक ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक बोला। अरे ठीक क्या बोला आप भी भगत जी।
जीजी एक मिनट, क्या है? अरे आओ तो सही। छोटी छोटी नीचे सब। जीजा जी आप पर ही हमारा एहसान रहा।